गुड मॉर्निंग, आई एम राहुल मित्तल, बायोप्रो ट्रेनर। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? शिवानी सक्सेना। ओके, कितने डेज हो गए आपको ड्राइविंग करते हुए? 9th डे है। कहाँ से आती हैं आप? अच्छा, तो अभी कौन से गियर में आप चला रही हैं कार? सेकंड। कौन से रूट पे हैं? पॉलिटेक्निक चौराहा, गोमती नगर वाले। क्या कॉन्फिडेंस है, कौन कौन से गियर में आपने चलाई कार को? मैंने फर्स्ट गियर, सेकंड गियर और थर्ड गियर। ओके, तो क्या आपके पास कौन सी कार है? मेरे पास i20। ओके, तो आप चला लेंगी गाड़ी अपनी? हाँ। फर्स्ट डे से और आज 9th डे में क्या डिफरेंस है, कुछ कहना चाहेंगी आप? हाँ, बहुत डिफरेंस है। पहले डर लगता था चला पाएंगे कि नहीं, अब वो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ चला सकते। वेरी गुड। आपका क्या नाम है? ओके, कितने डेज हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? 9 डे। ओके, क्या कॉन्फिडेंस है, कुछ कहना चाहेंगे आप मेरे सब्सक्राइबर से? हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है फर्स्ट डे और 9th डे में। पहले लगता नहीं था कि चला पाएंगे। ओके, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है कि हाँ, जैसा सर ने बताया है कि सारी जिम्मेदारी हमारी है और हमें रोड पे हर चीज़ का ख्याल रखना होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देख लिया, ये दोनों सिस्टर हैं और बहुत ज़बरदस्त ड्राइविंग करती हैं। अभी हम लोग 1090 वाले रूट पे हैं, मधुरमा से होते हुए पॉलिटेक्निक जा रहे हैं। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चला रही, बहुत एक्साइटेड है, चेहरे पे स्माइली आप देख सकते हो, खुशी ऐसे मतलब समाई ही नहीं जा रही। खुशी इतनी ज़बरदस्त हो रही कि वो दिन दूर नहीं कि i20 रोडों पे दौड़ेगी ज़बरदस्त। और आप देख सकते हो ये गाड़ी कैसे चल रही, थर्ड गियर में 40 की स्पीड में चल रही है। और अक्सर क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग डीमोटिवेट करते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। लड़कियां बहुत अच्छी कार चलाती हैं और चलाना भी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग डीमोटिवेट करते रहते हैं। कॉन्फिडेंट के साथ चला रही है और बहुत अच्छी गाड़ी चला रही है, तो 10 से 12 डेज़ के अंदर ये अपनी कार चला सकती है। दोस्तों, ये ट्रैफिक में गाड़ी चला रही है, भीड़ भाड़ वाले एरिया में बहुत अच्छा खासा क्राउड है। हल्का राइट ही रखना, हम लोग पॉलिटेक्निक की तरफ जाएंगे। अब जैसे ये बिजी रोड है तो यहाँ राइट जाना है तो राइट का सिग्नल पहले से दे दो, ताकि पीछे वालों को ये कन्फर्म हो जाए कि ये गाड़ी धीरे धीरे राइट जाएगी। अब ये लोहिया की तरफ जा रहा है, हम लोग को सीधा जाना है। वेरी गुड। गाड़ी कौन से गियर में है? थर्ड गियर में। अब यहाँ पे आप आराम से थर्ड में चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अपना लेफ्ट ही दबा के रखना। अब आप अपना सिग्नल बंद कर सकते हो, ठीक है, गुड। अब ढलान आ रहा है, यहाँ पे हल्का सा ब्रेक पे पैर लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि ढलान पे एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, ऑलरेडी इतना ढलान है। अब स्पीड मेंटेन कर सकते हो आप, थोड़ा सा थर्ड गियर में गाड़ी है, गुड। अभी गाड़ी की स्पीड क्या है? 40। थर्ड गियर की मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है? 40। अगर अभी आपको अचानक गाड़ी रोकनी पड़ जाए तो उसके बाद कौन से गियर में बढ़ाओगे? सीशम देखो, कोई गाड़ी तो नहीं पीछे आपके? नहीं है ना। लेफ्ट दबा के गाड़ी रोको, पूरा क्लच लेके ब्रेक लेफ्ट दबा के स्टॉप करो। हाँ, आराम से, हाँ स्टॉप कर दो एकदम, गुड। गाड़ी स्टॉप हो गई, क्लच ब्रेक दबाए रहना, छोड़ना नहीं है। अब गाड़ी जीरो की स्पीड में आ गई। गाड़ी कौन से गियर में है? थर्ड गियर। अब कौन से गियर में करके बढ़ानी है? फर्स्ट गियर। वेरी गुड, बस इसीलिए मैंने गाड़ी रुकवाई थी। कभी भी गाड़ी किसी भी गियर में अगर है, अगर रोकने के बाद हमको वापस उसको फर्स्ट गियर ही करना है। लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि सर फर्स्ट के बाद सेकंड में जाना, सेकंड के बाद थर्ड जाना, थर्ड के बाद फोर्थ जाना, फोर्थ के बाद फिफ्थ। लेकिन जब हम वापस डाउन आते हैं तो फिफ्थ से डायरेक्ट फर्स्ट गियर में आ सकते हैं, क्लच दबा के सेकंड गियर करो, बट स्पीड जीरो की होनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लाइन चेंज नहीं करना है, इसी लाइन में रखना है, लाइन से बाहर नहीं निकलना है, स्पीड पे कंट्रोल रखो, क्योंकि ये जो एज होती है ना तो एक्सीलेटर दबी जाता है अपने आप, तो कंट्रोल करके चलाना है, ठीक है। तेज चलाना कोई कला नहीं है। थर्ड गियर डालो क्लच दबा के, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। अब स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ाना, 30 से 40 के बीच में रहना, क्योंकि आगे रेड लाइट आ रही है, ठीक है। बट हम लोग क्या करेंगे, अभी टाइम कितना हुआ है, हाँ अभी 11:01 हुआ है, अभी चलो सीधा चलना है, हल्का राइट रखो, हम लोग को सीधा जाना है। गियर डाउन कर लो, पॉलिटेक्निक चौराहा रहा, सेकंड गियर कर लो क्लच दबा के, सीधा जाना, राइट रखो जिधर डिज़ायर गई है। दोस्तों, मैं यहाँ बताऊँगा कि रेड लाइट पे कार कैसे रोकी जाती है और कैसे बढ़ाई जाती है, कौन से गियर में रोकना है और कौन से गियर में बढ़ाना है। अभी ग्रीन हो गई, निकाल लो फुर्ती से, बढ़ाओ स्पीड, बढ़ाओ लेफ्ट रखो गाड़ी, हॉर्न मारते हुए निकाल लो, गुड, वेरी गुड। ऑटो के पीछे लगाओ, बढ़ाओ स्पीड, बढ़ाओ, वेरी गुड, जाने दो, हॉर्न मारो, लेफ्ट आओ और लेफ्ट, जाने दो, जाने दो, गुड गुड गुड, बढ़ाओ, देख रहे हो, पहले गियर में करो फटाफट, जल्दी से करो, वेरी गुड, बढ़ाओ जल्दी, जाओ थर्ड में, रेस करो, रेस, जाने दो। यहाँ लोग ऐसे ही करते हैं, देखो हम लोग की ग्रीन लाइट थी और जहाँ उधर वाले रहे थे। अब इतना ये बिजी रूट रहता है, उसके बाद भी कोई दीन दुनिया का कोई सिस्टम नहीं है, चेंज करो,
लोग कभी सुधर ही नहीं सकते हैं। बढ़ा लीजिए स्पीड, ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। हम लोग को सीधा चलना मुंशी पुलिया कलेवा होते हुए, ठीक है, मानस इंक्लेव होते हुए फिर चलना है मानस सिटी की तरफ। अभी गाड़ी कौन से गियर में जा रही है आपकी? सेकंड गियर में। वेरी गुड, यहाँ थर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सामने स्पेसेस इतना नहीं है। बढ़ा लो ध्यान से, जब भी किसी को ओवरटेक करो तो उसको एक बार इन्फॉर्म जरूर कर दो हॉर्न देके, ताकि उसको पता चल जाए कि गाड़ी कौन सी आ रही है। गुड। और ये जो बगैर शूज़ बगैर स्लीपर के हम चलाते हैं, इससे हमें टच फील आ जाता है, जजमेंट आ जाता है। जाने दो, हाँ सीधा मेन रोड से चलना है। गुड। अब जैसे हमको रोड पे जाना, मेन रोड पे, तो राइट का सिग्नल देंगे, फिर राइट साइड मिरर में देखेंगे। देखो भाई साहब को देखा, ये देखो ऐसे ऐसे आते हैं जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी इंश्योरेंस रखते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहना है। स्पीड बढ़ा लो। गुड। आप ये समझ लो कि समझदार आप ही हो, बाकी रोड पे जितने चल रहे हैं किसी से कोई मतलब नहीं है। जिसकी जितनी बड़ी गाड़ी उसकी उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी। गुड। एक ऑटो से एक ई रिक्शे से 10 कदम दूर रहना है क्योंकि इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सीधा मुंशी पुलिया से मानस वाले रूट पे चलना है हम लोग को। गुड। ये भी मेरा स्टूडेंट है जो सेफ्टी डिज़ायर खड़ी थी लेफ्ट में, मानस में रहता है मोंटी। सीधा जाना है हम लोग को स्ट्रेट, लाइन चेंज नहीं करना, इसी UP 70 के पीछे लगाओ टैगोर के। राइट ऑफ कॉल का राइट, हाँ राइट को राइट, हाँ बस राइट ही रखना, आगे रेड लाइट है। और राइट रखो, लेफ्ट क्यों भाग रही हो? पूरा क्लच दबाओ, हाँ धीरे धीरे, पहले गियर में करो इसको फटाफट जल्दी से, पहला गियर, हाँ धीरे 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 धीरे, बस रोक लो। अब रेड लाइट हो गई है, ठीक है, अब इसको न्यूट्रल कर लो क्योंकि 35 सेकंड की रेड लाइट है। अब क्लच ब्रेक छोड़ सकते हो, पर ब्रेक पे पैर रखे रहो, गाड़ी अगर ढलान पे होगी तो कहाँ जाएगी? जिस साइड ढलान होगी उस साइड जाके टकरा जाएगी। तो कभी भी न्यूट्रल करने के बाद ब्रेक से पैर मत हटाओ, हल्का ब्रेक दबा के जरूर रखो, ठीक है। अभी जैसे वहाँ पे 4 सेकंड बचेंगे वैसे क्लच दबा के फर्स्ट गियर डालना है। सामने जो देखो ब्लिंग हो रही ना जहाँ पे, वहाँ पे जैसे 4 सेकंड बचेंगे फट क्लच दबा के फर्स्ट गियर डालना है और धीरे धीरे हाफ क्लच पे गाड़ी को गियर को एक्टिव कर लेना है, ठीक है। अब क्लच दबाओ पूरा, पहले गियर में डालो इसको फुर्ती से, हाँ बस। अब हाफ क्लच पे गाड़ी ले आओ, रेडी टू मूव, हाँ। अब जाओ एक्सीलेटर पे पैर रखो, एक्सीलेटर पे, बस देखो हॉर्न मारो भाई साहब को, तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, ध्यान रखो इनका, बस जाने दो। हॉर्न मारो, बढ़ाओ फुर्ती से, निकालो, 30 सेकंड की ग्रीन लाइट है, बढ़ाओ, जाओ क्लच दबा के सेकंड गियर करो। गुड गुड गर्ल्स, जाओ बढ़ाओ स्पीड, स्पीड मेंटेन करो, वेरी गुड। अब कौन सा गियर डालोगे? थर्ड गियर, क्लच दबा के फटाफट थर्ड गियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जाने दो, सामने ट्रैफिक का ध्यान रखना, अगला बंदा कब ब्रेक मार दे कैसे पता चलेगा? जब उसकी गाड़ी की बैक लाइट जलेगी तो उससे ये पता चलता है कि वो ब्रेक के लिए रेडी हो चुका है, तो हमें भी अलर्ट हो जाना है, एकदम सीधा जाना है। आज कैसा फील हो रहा है ट्रैफिक में चला के? अच्छा लग रहा है, तो फिर आज कॉफ़ी बनती है मेरी जी। चलो ठीक है, सीधा जाना है। चलो जब फाइनली सीख जाओगे ना तब चलेंगे। क्लासियो शहीद पथ पे जो नया मॉल बना है, बढ़ाओ स्पीड, राइट रखो, हाँ गुड, गियर डाउन कर लो, सेकंड कर लो फटाफट क्लच दबा के, वेरी गुड। ब्रेक पे पैर रखो, स्पीड कम और कम, गुड गुड गुड। राइट रखो हल्का, राइट 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 राइट, लेफ्ट आओ, पहले गियर में करो क्लच दबा के, वेरी गुड। अब धीरे धीरे बढ़ाओ, एकदम धीरे धीरे, लेफ्ट आओ हल्का, लेफ्ट, हाँ और लेफ्ट आओ, लेफ्ट आओ, गाड़ी लेफ्ट लेके आओ, हाँ ब्लोरो के पीछे लगाना है, हाँ राइट ऑफ कॉल का राइट राइट, बस रोक लो पूरा क्लच और धीरे से ब्रेक, गुड। बढ़ाओ धीरे धीरे, जैसे ब्लोरो खिसक रही वैसे बढ़ाओ आराम से, गुड। थोड़ा डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करके रखो, बस अब इससे ज़्यादा आगे मत बढ़ाओ, बस इतनी दूरी बना के रखो, न्यूट्रल कर लो गाड़ी को। अभी जैसे ही ग्रीन होगी फर्स्ट गियर में डाल के हमको निकल जाना है। देख रहे हो भाई साहब को, इनको अकल नाम की चीज़ नहीं है, बगैर बात के हॉर्न बजा रहे हैं, इनको सब्र नहीं, इनको दिख नहीं रहा है कि रेड लाइट हो रखी है,
फिर भी हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे हैं। चलो पहला गियर डालो, तीसरा है बेटा, ये तीसरा है, पहला डालो, जाओ धीरे धीरे बढ़ाओ, गुड बढ़ा लो, वेरी गुड। 30 सेकंड की लाइट है, धीरे धीरे निकाल लो, सीधा चलना है, समझ गए, रास्ता पता है ना, बढ़ाओ स्पीड। हाँ जाओ जाओ जाओ, जिधर ट्रैक्टर जा रहा है, बस गुड, जाने दो सीधा, एकदम सीधा जाने दो, गुड गुड गुड। लेफ्ट आओ हल्का सीधा, डिजायर गई है जो वो आर्मी वाली, बस उसी के पीछे लगा लो, वहीं जाएगा आपके घर की तरफ। जाओ जाओ, देखो ये देखो भाई साहब को, अ वेरी गुड, ये खतरों के खिलाड़ी। राइट रखो, राइट 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 राइट, घर पे बता के आए कि इंतज़ार मत करना मेरा। हाँ हाँ, चलो जाओ रेस करो, इनको रेड और ग्रीन में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। देखो भाई साहब से इनसे दूर रहो, इनका कोई भरोसा नहीं कब पहिया निकल जाए, आराम से। हाँ इनको जाने दो, सिग्नल दे दिया ना लेफ्ट का, इसलिए निकल जाने दो। बहुत ज़्यादा कभी भी मतलब रफ ड्राइविंग नहीं करनी, स्पीड बढ़ा लो, क्लच दबा के सेकंड गियर कर लो, वेरी गुड, जल्दी से गियर डालो, गुड बहुत बढ़िया, सीधा जाना है हम लोग को स्ट्रेट, वेरी गुड। देखो भाई साहब को, गुड गुड, जाओ, लोग यहाँ सब खतरों के खिलाड़ी बने पड़े हैं, बस आप समझदारी से चलाओ, हमारी जिम्मेदारी सामने वाले को भी बचाना और अपने आप को भी। आज की कॉन्फिडेंस के हिसाब से लग रहा है कि बस आप वो दिन दूर नहीं कि आप जल्दी से गाड़ी खुद कंपनी से लेके आओगी। बढ़ाओ स्पीड, लेफ्ट से निकालो आराम से हॉर्न मार के, वेरी गुड, जाने दो, बहुत बढ़िया, एकदम सीधा जाना, स्पीड बढ़ा लो सीधा जाओ, रेस करो स्लो स्लो, पहले गियर में करो बेटा जल्दी से फटाफट, वेरी गुड, जाने दो धीरे धीरे, क्योंकि बड़ी गाड़ी वाला हमेशा छोटी गाड़ी वाले को दबाने लगता है। जाओ धीरे धीरे बढ़ाओ, एकदम धीरे धीरे, हाँ आराम आराम से, गुड, खिसकाते रहो धीरे, हाफ क्लच पे धीरे 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 धीरे, वेरी गुड वेरी गुड 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 गुड। चलो बढ़ाओ स्पीड, बढ़ा के सेकेंड गियर करो, गुड बहुत बढ़िया, गुड स्पीड बढ़ा लो, वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त चला रहे हो, मुझे कोई कुछ जलने की बू आ रही है, स्पीड बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ, मुझे कुछ जलने की बू आ रही है, किसी का दिल जल रहा है, एक दूसरे से जेलसी फील हो रही है कि हे भगवान इतना अच्छा इसका कॉन्फिडेंस क्यों, सीधा जाना है। हाँ बढ़ा लो, कोई बात नहीं, आप भी इतने अच्छा चलाते हो, किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, बट इसमें एक घर में अगर चार बच्चे हैं तो चारों का माइंड सेटअप एक जैसा नहीं होता है। आगे से लेफ्ट, आप भी अच्छा चला रहे हो और अच्छा चलाओगे, बस सेफ ड्राइविंग है, किसी को थोड़ा जल्दी समझ में आता है, किसी को थोड़ा लेट आता है, तो इसमें घबराने वाली की बात नहीं कोई, मैं मजाक कर रहा था, दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है, स्पीड बढ़ा लीजिए, क्योंकि सुबह से शाम तक ड्राइविंग सिखा के परेशान हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा हंस लेते हैं, ठीक है, माइंड मत करिएगा, ओके, आगे से सीधा जाके राइट जाना है, वेरी गुड, ब्रेक पे पैर रखो, स्लो कर लो थोड़ा, राइट रखो राइट, नहीं आज ही सरमाई का चिपक जाएगा पेड़ में, आगे से राइट जाना है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। और अच्छा ड्राइवर वही होता है जो अपने साथ साथ सभी को कॉपरेट करता चले, ठीक है ना, जय हो शनि महाराज की, स्पीड बढ़ा लो धीरे धीरे, बहुत बढ़िया, गुड, और कभी भी मतलब रफ ड्राइविंग नहीं करनी है, सामने वाला अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो उसको साइड दे दो, जहाँ पे कुछ भी समझ में ना आए पूरा क्लच दबा के ब्रेक लेके गाड़ी खड़ी कर लो, पीछे वाला अपने आप निकाल के ले जाएगा। कभी ऐसा नहीं कि पीछे वाला हॉर्न पे हॉर्न दे रहा जगह नहीं फिर भी अपनी गाड़ी गड्ढे में कुदा दी, नहीं, पीछे वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं हॉर्न पे हॉर्न 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 एक तरीके की गाली होती है, बाहर कंट्री में कोई भी हॉर्न बजाता नहीं है, वहाँ लोग गाली समझते हैं, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी समझते हैं। राइट रखो राइट, और राइट राइट का सिग्नल दो, हाँ आराम से दाएं बाएं देख के निकालना है, गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चौराहों पे तिराहों पे तो हमको समझना है। आज जिस ट्रैफिक से आप चला के लाए हो ना, इस वीडियो से बहुत सारे लोगों का मनोबल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है कि जी जो लोग नहीं भी चलाना चाहते वो भी चलाएं, एक दूसरे को देख के कॉन्फिडेंस, जाने दो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, स्पीड बढ़ा लो, गुड, और लेफ्ट आओ, जाने दो, गुड गुड, स्पीड बढ़ाओ, राइट रखो, बहुत बढ़िया, स्पीड मेंटेन करो, हॉर्न मारो फटाफट निकालो, सामने टेम्पो आ रहा है, जाने दो, गुड, क्योंकि लेफ्ट में भी कार खड़ी थी ना, एक साथ में तीन कारें यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाती,
बेटर फील कर रहे हैं ना आप? घबराहट तो नहीं है? नहीं, राइट रखो, कोई डर तो नहीं है? नहीं, बस बट आज बहुत अच्छा चलाया आपने, राइट रखो। हाँ एक्चुअली हाँ यही चीज़ अक्सर क्या होता है ना, जब अकेले आप चलाओगे तो और अच्छा चलाओगे। होता है क्या ना, जब स्टूडेंट मेरे साथ रहता है तो 50% उसका माइंड होता है, 50% वो मेरे ऊपर डिपेंड रहता है, वो घबराता रहता है, पैनिक होता है कि मैं क्या कर दूँ, सर क्या बोल दें। तो इसलिए मुझे राइट रखो स्पीड कम। हमेशा मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है कि जब यहाँ से स्टूडेंट जाने के बाद अपनी गाड़ी चलाता तो और कॉन्फिडेंट के साथ चलाता है। जाने दो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और इन दोनों सिस्टर की वीडियो मैं लास्ट डे की ज़रूर डालूंगा, 15 डेज़ की, और वो भी इनकी गाड़ी से हाईवे पे ले जाते हुए शहीद पथ पे या फैज़ाबाद रोड पे, मैं एक वीडियो इनकी ज़रूर अपलोड करूंगा 10 से 20 मिनट की, और जिस उस गाड़ी में मैं पीछे बैठा हूंगा और ये दोनों सिस्टर आगे बैठ के चला रही होंगी। ठीक है, गुड बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।